फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं, कहाँ के लिए वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल मैं रेडी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, तो चलिए गाइज चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम रेडी हैं, मैं रेडी हूँ और बस निकल ही रहे हैं। और वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि अपना ख्याल रखिएगा मम्मी, और आते हैं जल्दी। तो बस यहाँ से मैं निकल रही हूँ और छोटी दुल्हन को भी यही कह रही थी कि भाई ध्यान रखना मेरे पीछे से मम्मी का। तो वो भी कह रही थी हाँ बाजी, आप बेफिक्र होकर जाओ, कोई टेंशन मत लो, मैं ख्याल रखूँगी मम्मी का। तो बस गाइस यहाँ पर अभी है सुबह का टाइम और सुबह के 5 बज रहे हैं गाइस, और 5 बजे मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो कहाँ के लिए निकल रही हूँ मैं आगे बताती हूँ आपको, अभी आप बने रहें। फिलहाल अभी बैठते हैं और निकलते हैं और पहुँचते हैं टाइम पर, वरना लेट हो जाएंगे। और कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं टाइम पर, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो बने रहें। तो गाइज़ अभी यहाँ पर हम रुके हैं CNG के लिए, तो यहाँ से CNG लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। और देखिए हमारे ट्विंस, और गाइज़ सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी, तो बच्चों को यहाँ पर मैंने ये टोपे वगैरह लगा दिए थे क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, और भाई बच्चों को अगर सर्दी वगैरह हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइज़। तो यहाँ पर अभी हमने CNG ले ली है और मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में, तो वही तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं और ये आ चुका है स्टेशन, ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं गाइज़, बहुत ही ज़्यादा। और आगे अभी आपको जब पता चलेगा ना तो आप खुद जान जाएंगे कि मैं क्यों इतना खुश हूँ। तो फ़िलहाल अभी स्टेशन पहुँच चुके हैं और तो गाइज़ यहाँ पर ट्रेन भी हमें मिल चुकी है और बस 2 मिनट बाकी हैं ट्रेन के निकलने में, बिल्कुल टाइम पर हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल 2 मिनट पहले आए हैं। तो बस अभी गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अभी हम लोग जल्दी जल्दी से अपना डब्बा नंबर देख रहे थे कि हम किस डब्बे में बैठना है हमें, तो वही तो अभी बैठते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर बैठ चुके हैं हम ट्रेन में और हमारी जो ट्रेन है ना वो भी चल चुकी है। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ गुना, बहुत टाइम हो गया है बता देती हूँ, तो मैं जा रही हूँ गुना अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर और उन्हें दे रही हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज़। मैंने अभी तक उन्हें कोई कॉल नहीं किया है और मैंने नहीं बताया है कि बाजी मैं आ रही हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन। तो ये देखिए गाइज़ यहाँ का कितना प्यारा व्यू है और आपसे बात करते करते आ चुका है शिवपुरी। तो यहाँ पर ये है शिवपुरी का स्टेशन और यहाँ पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकेगी और उसके बाद चलेगी आगे, और हमें पता ही नहीं चला है सफ़र, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अभी बैठे थे और इतनी जल्दी से आ गया है। तो यहाँ पर शिवपुरी में मैं नहीं रुक रही हूँ, मैं जा रही हूँ गुना। तो ये देखिए हम लोग बैठे हैं, बच्चे और मैं, तो खूब खुश हैं बच्चे भी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बार बार कह रहे हैं मम्मी कितने दिन बाद हम जा रहे हैं ना। तो गाइज़ मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि मम्मी की वजह से मैं नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब छोटी दुल्हन आ गई है ना गाइज़, तो मुझे भी मौका मिल गया है अपनी बहन के आने का। और बाजी भी बहुत गुस्सा होती थी कि तू कभी आती नहीं है, लेकिन अब फाइनली मैं जा रही हूँ। तो गाइज़ देखिए ये ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, तो चलते हैं और देखना है मुझे कि बाजी को जब मैं ये सरप्राइज़ दे रही हूँ तो बाजी का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या करेंगी। तो वही, और मेरे पेट में ना ये बात बिल्कुल भी रुक नहीं रही है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सा पल हो और मैं बाजी को बता दूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन गाइज़ मुझे छुपाना है और पहली बार मैं इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ कि मैं उनके घर जा रही हूँ। गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही थी बाय बाय आप सभी को और मैं चली अपने बहन के घर। तो गाइज़ यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और बहुत सुकून मिल रहा है मुझे कि भाई मैं निकल आई हूँ अपने घर से, अपने ससुराल से। और गाइज़ कोई भी बेटी हो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है मायके की जब बात आती है। और यहाँ पर हमारे रेहान फरहान ना पूरी ट्रेन का मुआयना कर रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ के बैठ रहे हैं तो कभी इधर कभी उधर, तो इस तरह से। और देखिए यहाँ का कितना प्यारा व्यू है, ग्रीन ग्रीन, और बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा एरिया। और यहाँ पर ये गेंदे के जो फूल होते हैं ना उसका बाग है, तो वो है। और ये बस गाइस पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।
ये देखिए गाइज, आपसे बातें करते 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 आ चुका है गुना, और ये मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ननियाल भी है गुना में, और मेरी बाजी दुला भाई भी रहते हैं, और समिया बाजी भी रहती हैं, और यहाँ पर हमारा फरान जो है वो उतर रहा है, और अभी मैं उतर रही हूँ। तो बस गाइज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और यहाँ से स्टेशन से बाजी के घर तक का सफ़र ना तय करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, और ऐसा लग रहा है अभी अगर मैंने कॉल किया होता ना तो बाजी के बच्चे और दुला भाई यहीं पर खड़े मुझे मिलते, फटाक से मेरा सामान उठा लेते और मुझे जल्दी से लेकर चलते। लेकिन गाइज, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मैं अकेले बाजी के घर जा रही हूँ, क्योंकि बाजी को देना है सरप्राइज, इसलिए गाइज। लेकिन अभी मैं यहाँ से जब मैं निकल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाक से मैं दौड़ के बाजी के घर पहुँच जाऊँ। तो बस गाइज, अभी चलते हैं, और यहाँ का ये पूरा स्टेशन है गुना का। तो बस अभी बच्चों के साथ में यहाँ से निकल रही हूँ, तो नीचे जाकर हम लोग लेंगे ऑटो और उसके बाद निकलेंगे। वैसे तो हर बार जब भी मैं आती थी ना, तो मुझे दूल्हा भाई लेने आ जाते थे। तो गाइज, ये है स्टेशन के बाहर का व्यू, और यहाँ पर ये खड़ा है इंजन, भारतीय ट्रेन इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो रहे थे, थोड़ा सा बैठ गए थे, और रेहान तब तक ऑटो देखने चला गया था कि मम्मी मैं ऑटो देखता हूँ, तब तक आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा वीडियो शूट करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा देखने लायक चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शूट कर लिया था। पुराने टाइम की पुरानी चीज़ें रखी हैं, तो अच्छी लग रही थी देखने में, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपना वीडियो बना लेते हैं। तो वही थी यहाँ का पूरा बाहर का, ये बाहर से मैंने लिया है, पूरा स्टेशन है ये, यहाँ से पूरा कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि अच्छा लगता है देखने में। तो गाइज, बस अभी चलते हैं, बहुत देख लिया है स्टेशन, अभी बाजी के यहाँ चलते हैं फाइनली। गाइज, हमने यहाँ पर ऑटो कर लिया है, और ऑटो में बैठकर हम निकल चुके हैं बाजी के घर के लिए, और स्टेशन से बाजी के घर का रास्ता है ये। और देखिए गाइज, यहाँ पर किस तरह के घर बने हुए हैं, झोपड़ियाँ, और देखिए गाइज, ये लोग भी किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और कितने खुशहाल रहते हैं ये लोग, इनकी भी ज़िंदगियाँ हैं गाइज़। एक साइड पर बनी हैं झोपड़ियाँ, और एक साइड पर बनी हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और पास ही में बना है ये मैरिज होम। तो देखिए गाइज, इस तरह के भी लोग होते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। इन लोगों से बहुत ज़्यादा देखकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं बाजी के घर की गलियों में। तो ये देखिए, ये है बाजी के घर की मेन गली, और सामने आगे है बाजी का घर। तो बस हम पहुंच रहे हैं, और गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से, और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, और एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है कि बाजी कैसा फील करेंगी हम लोगों को देखकर और बच्चे। तो बस गाइज, अभी पहुंच रहे हैं, और हम बाजी के घर से ना थोड़ी दूर पर ऑटो रुकवाएंगे, कहीं वो लोग देख ना लें इसलिए, और एकदम से अचानक से हमें पहुँचना है। देखिए यहाँ पर फरहान कह रहा है कि मम्मी चुप चुप चुप, ऊपर रेहान भाई खड़े हैं इस तरह से। तो बस अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, अंदर पहुँच रहे हैं गाइज, और देखिए बाजी को आवाज़ लगाई है, बाजी यार यही तो है, कौन है अब आए। तो गाइज देखिए, अभी आए हुए, हमें कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, और तुरंत से बाजी ने मंगवा लिया है नॉनवेज, और यहाँ पर बच्चों का नाश्ता रेडी कर रही हैं वो, और नॉनवेज भी देखिए यहाँ पर नॉनवेज में बना रही हैं चिकन, और बच्चों के नाश्ते में बाजी ने बनाई है चाय और पपड़ी और ब्रेड फ्राई की है, और ये नाश्ता है बच्चों का। और यहाँ पर पेटीज़ भी इन्होंने मंगवा ली हैं बच्चों के लिए, बच्चों से पूछ रही थी बेटा क्या खाते हो, जो खाते हो मैं वही मंगवाऊँगी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। और यहाँ पर बच्चों का नाश्ता और मेरा नाश्ता लगा रही हैं बाजी। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं आगे। बच्चों का नाश्ता हो चुका है, और रेहान पढ़ रहा है गाइस। तो गाइस, यहाँ से हम ऊपर आते हैं, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर छत के लिए है। तो ये यहाँ का बाहर का है सारा, ये जगह पे अभी भी बाजी के यहाँ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम जो रह गया है ना वो अभी भी वो करवा रही हैं। तो गाइज, ये है रूम के बाहर का एरिया है, और यहाँ से ये रूम के अंदर एंटर हो जाएंगे यहीं से। ये देखिए यहाँ पर सामने बेड है, फिर ये देखिए यहाँ पर इस तरफ अलमारी बनी हुई है, और ये बच्चों के पढ़ने का सामान रखा हुआ है, यहीं पर बच्चे पढ़ते रहते हैं दोनों।
और रियान फरहान आए हैं तो उन्हें भी यहीं एसी वाले रूम में अच्छा लग रहा है, वो भी यहीं। यहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे थे तो यहाँ पर उनका कैरम रखा हुआ है। ये है बाजी की किचन। तो अभी लाइट चली गई है ना गाइज, तो ज़्यादा कुछ ठीक से दिखेगा नहीं आपको, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी बाजी कुछ एक्स्ट्रा जो सामान रहता है ना बाजी का, वो यहीं रख देती हैं। जैसे कि अभी गेहूँ उन्होंने साफ किए हैं तो गेहूँ यहाँ पर रख दिए हैं यहीं पर, और यहीं पर जो गेहूँ को धो लेती हैं ऊपर ही, और यहीं पर छत पे ऊपर डाल देती हैं। तो ये बाजी की छोटी सी किचन है, प्यारी सी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। टाइल्स जो लगवाई है ना बाजी ने, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो अभी वो मुझसे यही कह रही थी कि मुझे ये वाली इस वाले साइड पर लगवाना थी, फ्रंट पे यहाँ पर लगवाना थी, लेकिन पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई है, तो ये वाली यहाँ पर लग गई है और ये वाली यहाँ लग गई है। तो मैंने कहा कोई नहीं बाजी, जो यहाँ लगी है ना वो परफेक्ट है, वो यहाँ के लिए सही है, और जो यहाँ लगी है वो यहाँ के लिए सही है। इस तरह से मैंने बाजी को तसल्ली दे दी है। बाजी मेरी बहुत सीधी सादी सी है बेचारी, थोड़ी सी बातों की टेंशन ले लेती हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे हैं मेरे बाजी दूल्हा भाई। और ये है बाजी का रूम, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और ये यहाँ से पूरा बाहर का व्यू है, जो कि यहाँ पर इस बेड पर बैठ कर ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि सारा बाहर का नज़ारा नज़र आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी मैं आपको छत पर लेकर चलती हूँ बाजी के। तो ये है बाजी का छत और बाहर का व्यू, ये सारा व्यू है बाहर का। ये बाजी की पानी की टंकी रखी है और वहां पर बाजी ने स्टोर बनाया है। और ये इस तरह का यहाँ की कॉलोनी है ये। और ये वाली साइड पर बाजी के देवर का है, ये वाला जहाँ पर उन्होंने रेंट पर दे रखा है, किराएदार रहते हैं उसमें। और ये पूरी बाजी की कॉलोनी है यहाँ की। वहां पर उस साइड पर मेरे मामू मौनी रहते हैं, जहां मैं जाऊंगी उनसे मिलने। जल्दी नीचे चलते हैं क्योंकि मुझे हो रहा है लेट बाजी के यहाँ जाने के लिए। कितना भी जल्दी कर लें गाइस, फिर भी लेट तो हो ही जाता है। और मायके में बहनों के यहाँ पर रुके गेट लगा देते हैं, गेट लगाना मैं भूल गई हूँ। तो गाइस मायका हो या बहनों का घर हो, आराम ही आराम और आराम ही अच्छा लगता है। ये देखिए मैं नीचे आ रही हूँ। और ये देखिए गाइस, यह तो गाइज नहा धोकर अभी हो चुके हैं फ्री, और अभी मैं आज मैं जा रही हूँ समियाबाजी के घर, तो बस वहीं पर मिलेंगे गाइज। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।